जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद उसामा एंड आई एम फ्रॉम टवरडेक सिंह पंजाब पाकिस्तान एंड वी आर ट्राइंग टू गो लाइव फॉर आवर टुडे सेशन व्हिच इज कॉल्ड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. सो सम डिफिकल्टीज आर हियर आई एम फेसिंग एंड यस. So finally we are live here. First of all किस तरह से करें कि अपना जो वॉल्यूम है फेसबुक का वो हाई कर लें ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ सके. अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दें ताकि आई शुड हैव एन आइडिया अबाउट कि मेरी माई वॉइस इज क्लियर. तो बेसिकली आज हम कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के हवाले से बात करने जा रहे हैं. So first of all, let me share this video with my friends. So जिन्होंने मुझसे कहा हुआ है कि आप हमें भी कुछ बता दिया करें जब ऑनलाइन जाते हैं, तो मैं उनके लिए शेयर कर दूँ अपनी टाइमलाइन पे और अपने ग्रुप्स में शेयर कर लूँ. तब तक आप लोग भी प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें सो दैट वी कैन शेयर इट विद पीपल, दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एज वेल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. हम इसमें आज तीन चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज सिंपली अ थिंग दैट इज़ यूज्ड इन एडवांस्ड मार्केटिंग. ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को किस जिस जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके हमें रियल लाइफ में क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसको हम अपनी अर्निंग का ज़रिया कैसे बना सकते हैं. और इसके अलावा कुछ आपको मैं आखिर में टिप्स बताऊंगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑनलाइन अर्निंग कैरियर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन केस यू डोंट नो मी. माई नेम इज़ मोहम्मद उसामा एंड आई एम फ्रॉम टवरडेक सिंह पंजाब पाकिस्तान. आई एम अ होस्ट ऑफ इंस्टेंट पब्लिसिटी इंटरव्यूज एंड अ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर एट GSC फाउंडेशन. सो नाजरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इसका वर्ड है कंटेंट, जिसको सब समझते हैं. कंटेंट कुछ भी हो सकता है. लेट से कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि कंप्यूटर की कोई प्रोडक्ट है, जैसे कह लेंगे मेरे पास एक वेब कैम है और मुझे उसके उसको प्रमोट करना है. ठीक है, तो हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे आज के एग्जांपल में उस कैमरे को प्रमोट करने के लिए. तो आप उस एग्जांपल को देख के आपके बिजनेस में या फिर आपकी एजुकेशन में या फिर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करें और आप उनके व्यूज़ हासिल करें या फिर आप सेल्स करना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी लीड्स जनरेट करना चाहते हैं मार्केटिंग के अंदर, तो दिस कैन हेल्प यू अलॉट इन दैट वे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कैमरा लेते हैं कि जनाब हमें उसकी एक ऐड तैयार करनी है, ये हो गया कॉन्टेंट. ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है. डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ अहम होती है वो ये देखा जाता है कि आपका जो मैसेज है वो क्या ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मैसेज जो है आपकी प्रोडक्ट के हवाले से उस तरह का नहीं है कि आपकी जो ऑडियंस है वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो दिस इज़ नॉट अ राइट मैसेज फॉर यू. ओके, उसके बाद देखा जाता है कि आपका जो मीडियम है, जिस मीडियम पर आपकी पब्लिक अवेलेबल है, आप उधर जाके ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर कहीं और आप उसको, लेट से कि अगर मुझे वेबकैम सेल करने हैं तो मैं उसको कभी क्लॉथ शॉप पे जाके या फिर किसी मोटर्स की शॉप पे जाके तो उसको सेल नहीं करूँगा. आई विल डेफिनेटली गो टू द कंप्यूटर्स मर्चेंट्स टू सेल माय वेबकैम. ठीक है, तो ये होता है मीडियम जहाँ पे पब्लिक अवेलेबल होती है. तो इन डिजिटल कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हमारे पास कुछ ऐसे मीडियम्स हैं जिस तरह से हम कह सकते हैं हमारे पास फेसबुक अवेलेबल है, हमारे पास लिंक्डइन अवेलेबल है, हमारे पास इंस्टाग्राम अवेलेबल है, हमारे पास उसके अलावा यूट्यूब है, उसके अलावा ट्विटर है, व्हाट्सएप है, आजकल तो बहुत सारी ऐप्स हैं
खैर कुछ पॉपुलर्स के मैंने भी नाम लिए, तो हम मीडियम देखेंगे कि हमारी पब्लिक जो है उसका 90% किधर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हमारा जो मैसेज है वो एक टाइम में हम जब एफर्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि लेट्स से कि मुझे मैनेज करना है अपने टास्क को, और मैनेजमेंट तो एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसके भी कुछ तरीके होते हैं कि हम एफिशिएंटली किसी भी काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और फिर हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग ऑफ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में 3 M's यूज होते हैं, आपका मैसेज, आपका मार्केट और आपका मीडियम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। अभी मैसेज आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, लेट्स से कि आज की जो पब्लिक है उसके पास जो टाइम होता है बात सुनने के लिए, या फिर फेसबुक के ऊपर आपकी कोई एड विजिट करने के लिए, वो बहुत ही कम टाइम होता है हर बंदे के पास। तो हमें इस तरह का मैसेज तैयार करना चाहिए, इस तरह का मैसेज प्रिपेयर करना चाहिए कि जो हमारी ऑडियंस है वो उसके साथ इंगेज रहे और साथ साथ इंटरटेन भी हो, और साथ साथ उसको उसका रियल जो मकसद है वो भी समझ आए, और फिर वो मैसेज उनको कन्विंस भी करे एट द सेम टाइम कि दे आर गोइंग टू वर्क विद यू इन द फ्यूचर और समथिंग एल्स। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें CDM कैपिटल में, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके इनबॉक्स में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो जनाब नेक्स्ट थिंग ये है कि आपका जो मैसेज है इस तरह से क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि उसको कोई भी बंदा है आपका जो टारगेट है उसको समझ आ जाए। उसके बाद आपकी मार्केट होती है, मार्केट में ये देखा जाता है कि आपकी मार्केट में कौन से पॉसिबल रिस्क हैं आपकी मार्केट में कि जो आपके मैसेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर आपके मैसेज उस मार्केट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मार्केट के लिहाज से हमें अपने मैसेज को थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। जब हम अपनी मार्केट स्पेसिफाई करते हैं तो उसमें सबसे यही चीज़ इंपॉर्टेंट देखी जाती है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो मार्केट है, जब मुझे वेबकैम सेल करना है तो मेरी मार्केट एब्सोल्युटली जो है वो कंप्यूटर जो शॉप है या शोरूम है उसके मर्चेंट्स है, नॉट द मर्चेंट्स ऑफ द क्लॉथ इंडस्ट्री और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारी मार्केट देखी जाती है। तो अगर हमें अपनी कंप्यूटर साइंस की कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, या फिर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर सेल करना है, या फिर आप कह रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लेट से आप एग्रीकल्चर से हैं, आपको कुछ अपनी जो पेस्टिसाइड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है मैक्सिमम लेवल पे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा कि आपकी मार्केट क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद मीडियम देखा जाता है जो सबसे ही इम्पोर्टेंट है। लेट से कि अगर मुझे वेबकैम सेल करने, तो मोस्ट लाइकली जो मैं प्रेफर करूँगा वेबकैम को सेल करने के लिए, मैं सिंपली अपना जो फोकस है वो फेसबुक के ऊपर या फिर किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर रखूँगा जहाँ पर वेबकैम को यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा मौजूद होंगे। अभी हम देख सकते हैं कि अभी मैं आपके साथ फेसबुक लाइव के बात कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कैमरा चाहिए, ठीक है। इसी तरह फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग लाइव आते हैं, और इस तरह से हम फेसबुक को अपना मीडियम यूज़ कर सकते हैं इन वेबकैम मैसेज। दिस इज जस्ट एग्जांपल, यू कैन टेक एनीथिंग। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, लेट्स से कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है आपको एक टाइम में मल्टीपल टास्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि टास्क मैनेजर का आपके पास सॉफ्टवेयर है जो आपकी कंपनी में आपको हेल्प करता है, तो किसी भी कंपनी को वो हेल्प कर सकता है, आपको उसका मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि जो कंपनीज के वो अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं, किस मीडियम पे हैं। मोस्ट लाइकली जो कंपनीज होती हैं उनके जो ऑनर्स होते हैं वो लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, कुछ ट्विटर को प्रेफर करते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर कोई पब्लिक फिगर्स होते हैं, और जो सोशल पीपल होते हैं वो मोस्ट लाइकली विल बी यूज्ड ऑन फेसबुक, ठीक है। तो अब अगर हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई भी मैसेज है हमारा, तो हमें सबसे पहले उसका मैसेज, फिर उसकी मार्केट, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट उसका मीडियम चूज़ करना होता है। जब हम मीडियम चूज़ करते हैं तो फिर वी आर डन,
उसके बाद हम एक कंपेन रन कर सकते हैं कि जनाब अभी हमें एक दिन में ही अपना मैसेज इतने ज़्यादा ग्रुप्स में या फिर इतने ज़्यादा कम्युनिटीज़ में शेयर करना है, और वो आपको अलाउ करते हो कि वो आपका मैसेज शेयर करते हो। और अगली चीज़ ये है कि वो कम्युनिटीज़ जो जो भी हैं वो आपके मैसेज से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप इन रिलेटेड कम्युनिटी को जाकर अपना मैसेज शेयर कर दोगे तो यू विल मोस्ट लाइकली टू बी इग्नोर्ड बाय द पीपल, और आपकी जो एफर्ट है वो बहुत ही उसमें वेस्ट हो सकती है। तो जी आज का ये था, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट करके बता दें। एक्चुअली दिस इज़ अ न्यू थिंग इन द इंडस्ट्री, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, नेवर डन, नो वन हैव एवर डन दिस बिफोर, एंड वी जस्ट टुक द स्टार्टअप टू स्टार्ट दिस न्यू मार्केटिंग स्टाइल इन द इंडस्ट्री। तो आज हम इसके अलावा हम फोकस करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कि ऑनलाइन अर्निंग में आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, कि आपको मैक्सिमम जो ऑनलाइन अर्निंग है वो आपकी राइट साइड पे जीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। लेट्स से कि कम्युनिकेशन अच्छी कैसे होती है। कम्युनिकेशन अच्छी कई तरह से हो सकती है, जिस तरह से मैं कह सकता हूँ आपको बात अच्छे तरीके से करनी आती हो लिख के अपने क्लाइंट के साथ, और समटाइम जब कभी वो आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें या फिर काम के हवाले से तो आप उनको पोलाइट मैनर में डील करें। ठीक है, और उसके अलावा आपके जो क्लाइंट्स हैं वो अगर आपसे एंग्री भी हो जाए तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उनको रिवर्स प्रोसेस से लेके आगे आप उनके साथ दोबारा से डील कर लें। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है इन द ऑनलाइन मार्केट तो यू कैन विन एनी प्लेटफॉर्म, डजेंट मैटर इट इज़ फाइवर और अपवर्क और समथिंग एल्स। ठीक है, तो उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ द कंटेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेट्स से कि अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं या फिर आप ऑनलाइन मार्केटर हैं या फिर आप लोगो डिज़ाइनर हैं या फिर आप कुछ भी आपका पैशन है, आपका प्रोफेशन है, आप उसको इतने हाई क्वालिटी में डिलीवर करें कि आपकी मार्केट में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है उस तरह की चीज़, तो मोर लाइकली दे आर मोर कंपेरिटर्स इन योर मार्केट एवरी टाइम। लेकिन आपको इस चीज़ को ख्याल में रखना है कि जो आपके कंपेरिटर्स हैं वो आपसे अच्छी जो डिलीवर कर रहे हैं आपको उससे अच्छा डिलीवर करना है अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी क्वालिटी के बाद आपकी इंटेग्रिटी आती है कि आप जो कहें वही डिलीवर करें, और उसके अलावा आप अवॉइड करें कुछ भी और तरह की क्वालिटी को डिलीवर करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि प्रॉमिस लेस, अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर। लेट्स से कि अगर आपके क्लाइंट ने आपसे कहा है कि आप एक दिन में आप उसको $5 में दो लोगोस रेडी करके दे दें। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप उसको दो के बजाय चार करके दे दें। ठीक है, जब आपने $5 का प्रॉमिस किया होगा और आप उसको ओवर डिलीवर करेंगे तो यू विल मोर लाइकली टू बी मेक मोर मनी फ्रॉम दिस। ठीक है, तो अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर एंड बी वेरी नाइस इन योर कम्युनिकेशन। ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी दैट यू कैन, और आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को अपनी ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग कैरियर है उसको किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। तो लेट मी से इट अगेन कि अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप किस तरह से कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को यूज़ करके अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर आपका मैसेज जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का, वो जाहिर सी बात है अगर आप इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, आपकी कुछ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज़ गुड फॉर यू कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो और आप उनको काम करके उनका डिलीवर करते रहें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना चाहिए कि फेसबुक के ऊपर या फिर फाइवर के ऊपर या फिर कहाँ पर आपके जो वेबसाइट के कस्टमर्स हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअल में वेबसाइट के कस्टमर्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। तो अगर हम अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें, लेट्स से कि हम अगर अपनी फेसबुक को ही यूज़ करें अपने क्लाइंट्स ढूंढने के लिए, तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जो जो लोग होते हैं बिजनेस बिजनेस कम्युनिटीज़ होती हैं फेसबुक के ऊपर, दे आर मोस्ट लाइकली टू बी योर कस्टमर्स।
क्योंकि हर बिजनेस ओनर जो है वो जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको अपनी वेबसाइट चाहिए होती है। तो आप इस तरह से करें, आप उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और उनके जो भी एडमिन होते हैं या फिर मॉडरेटर्स होते हैं आप उनसे कहेंगे जनाब मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ तो आप मुझे इतने परसेंट ले लें या फिर आप मुझे फ्री में अलाउ करें कि जो मेरा मैसेज है वो मेरे कस्टमर तक पहुँच जाए और अगर वो मुझसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।